हमारे सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं अनुष्का दत्त सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल दौरशिप में। और आज की खबरों का सिलसिला हम जारी करेंगे आज की बड़ी दो खबरों से, जो है खत्म हुआ दशकों का इंतजार, एयरबस से हुआ 22,000 करोड़ का करार, C-295 एयरक्राफ्ट से मिलेगी एयरफोर्स को रफ्तार, एयर मार्शल संदीप सिंह होंगे भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख, VR चौधरी की लेंगे जगह। पहली खबर से शुरुआत करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने एयरबस के साथ 22,000 करोड़ रुपए का बड़ा करार किया है। इसके तहत एयरबस की ओर से वायुसेना को 56 C-29 मीडियम एयर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की सप्लाई की जाएगी। रक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने इस डील को 15 दिन पहले ही मंजूरी दे दी थी, जिस पर अब हस्ताक्षर हुए हैं। एयरबस की ओर से बनाए गए C-295 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में अब तक शामिल रहे AVRO 748 प्लेन्स की जगह लेंगे। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की ओर से संयुक्त रूप से इस प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत इस प्रोजेक्ट पर काम होना है। एयरबस और से 16 एयरक्राफ्ट एकदम तैयार करके दिए जाएंगे। इसके अलावा बाकी 40 की असेंबलिंग भारत में टाटा की कंपनी करेगी। AVRO 748 एयरक्राफ्ट की रिप्लेस करेंगे ये प्लान, अब बीते दशक में कम चल रहा था, जिस पर अब जाकर अमल हो सका है। रक्षा अधिग्रहण परीक्षण की ओर से 2012 में ही 56 नए एयरक्राफ्ट की खरीद ने की प्रिपरेशन मंजूरी दी गई थी। भारत में रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए एक्सप्रेस ऑफ नेसेसिटी का प्रस्ताव काउंसलिंग के समक्ष भेजा जाता है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाती है। भारतीय वायुसेना में AVRO 748 एयरक्राफ्ट को 1960 के दशक की शुरुआत में शामिल किया गया था। ऐसे में इन्हें रिप्लेस करना काफी जरूरी हो गया था। टाटा समूह करेगी C-295V एयरबस विमानों का निर्माण। टाटा समूह में मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत C-295 एयरबस विमानों का निर्माण करेगी। सैन्य परिवहन में इस्तेमाल होने वाले इन एयरबस को केंद्र सरकार ने अपनी अनुमति दे दी है। इस परियोजना के तहत इंडियन एयर फोर्स को 56 एयरबस मिलेंगे, जिसका भारतीय वायुसेना लंबे समय से इंतजार कर रही थी। छोटे एयरपोर्ट से भी उतर सकता है C-295। टाटा द्वारा तैयार किए जा रहे C-295 एयर बहु भूमिका परिवहन वाला विमान होगा, जिसकी अधिक में लोड लक्षता 9.25 टन है। इस विमान की खासियत होगी कि यह छोटे रनवे वाले एयरपोर्ट में भी आसानी से उतर व उड़ान भर सकेगा। बात करेंगे दूसरी खबर के ऊपर। एयर मार्शल संदीप सिंह होंगे भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख, VR चौधरी की लेंगे जगह। भारतीय सरकार ने एयर मार्शल संदीप सिंह को भारतीय वायुसेना का अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। अब एयर मार्शल की VR चौधरी के स्थान लेंगे, जो 30 सितंबर को वायुसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करेंगे। बीते दिनों भारत सरकार ने एयर मार्शल VR चौधरी को वायुसेना का अगला अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला लिया है। VR चौधरी वर्तमान में वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बता दें कि मौजूदा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरके भदौरिया 30 सितंबर 2021 को सेवा रियायत को रहे हैं। एयर मार्शल संदीप सिंह फिलहाल साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। उन्होंने एयर मार्शल सुरेंद्र कुमार घोटिया की सेवा नियुक्ति के बाद 1 मई 2021 को पदभार ग्रहण किया था। एयर मार्शल संदीप पखी जगह पर एयर मार्शल अमित देव का वेस्टर्न एयर कमांड का अगला चीफ नियुक्त किया जाए गया है। बस वर्तमान में एरिस्टन एयर कमांड के प्रमुख रह चुके हैं। इसी के साथ आज के खबरों का सिलसिला यहीं रोकेंगे। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल दौरशिप के साथ। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।